नमस्कार जी, मेरा नाम प्रहलाद जोगी, मेरा पुत्र है सोन सिंह जोगी, गांव शिकरौदा मीणा, तहसील हिंडौन, जिला करौली का रहने वाला हूं। मैं काफ़ी दिनों से परेशान था, कूले के जोड़ से मेरी बीमारी थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर बताया, उन्होंने भी ऑपरेशन करा दी। काफ़ी दिन से मैं परेशान था, लेकिन किसी कारण से मतलब आ नहीं पा रहा था। अब कुछ परेशानी सामने आई तो मेरे लिए जयपुर जाओ, मैं जयपुर आया तो काफ़ी डॉक्टर के पास मैंने दिखाया, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा। मुझे पता लगा पितुल जैन हड्डी विशेषज्ञ कि उसके पास जाओ भाई। मैं आया था, मुझे उन्होंने सलाह अच्छी दी और मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया, तो मेरा ऑपरेशन सक्सेस है। और ऑपरेशन के दूसरे दिन में मुझे सलाह दिया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ जो मेरी स्थिति इन्होंने सुधार दी। ऐसा ही रहेगा हमारे पास था। हमें पहले पहले हमें लोगों ने डराया कि यार नहीं ऑपरेशन कराएंगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो हम हिम्मत वाले आए और सर जी ने जिम्मेदारी ली थी, बोले मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई परेशानी आएगी, और अगर परेशानी आएगी तो मैं जिम्मेदारी जीवन था ने मैं मतलब इस जो अस्पताल में पितृ जैन का अस्पताल है गन्नी देवी वाला, तो मैं इसकी विशेष करके और लोगों से अच्छी मतलब बाता से और मैसेज दूंगा वहाँ कि भाई अगर तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है तो दुख को मत झेलो, दुख मत झेलो और वहाँ जाओ, इलाज सक्सेस है, मेरा हो गया। मैं तो यही कहूँगा वहाँ कि डरना नहीं, और अगर जिंदगी सुधारनी है तो ऑपरेशन कराओ और ये सक्सेस है। और मैं किसी के मतलब कहने से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मेरे खुद के जीवन के लिए कह रहा हूँ। मेरे जीवन उन्होंने सफल कर दिया। मैं उनको सलाह ये दूंगा था कि कहीं डोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जीवन सुधारना है तो जो मैंने हॉस्पिटल में जो है इलाज कराया है वहाँ आप जाओ, आपका इलाज सक्सेस हो जाएगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा हो चुका है और मेरा जीवन सफल हो चुका है। देखो हाँ, जो गन्नी देवी अस्पताल है विशेषकर मतलब इसमें साफ सफाई सबसे ज्यादा साफ सफाई का और वातावरण व्यवहार स्टाफ का व्यवहार अच्छा है। ऐसा नहीं कि किसी से गलत नहीं है, अच्छा अस्पताल है। डॉक्टर साहब भी यूँ समझो आपका जैसे घर में बात करते हैं ना, ऐसे बाल बच्चों की तरह बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई डराते हैं कि नहीं तुमको ये करना बहुत प्यार से प्रेम से और सम्मानजित काम किया उन्होंने।